बीएलएड एग्जाम 2022 से 24 सेकेंड ईयर और 23 से 25 फर्स्ट ईयर का एग्जाम रूटीन जारी हो गया, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। और एडमिट कार्ड कब आएगा और कहां से डाउनलोड करना ये भी मैं आपको पूरा बता दिया हूं, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम टू जॉब पे। तो दोस्तों, बीएलएड सेशन 2022 से 24 सेकेंड ईयर और 2023 से 25 फर्स्ट ईयर का दोस्तों एग्जाम रूटीन जो वो जारी कर दिया है बिहार बोर्ड के तरफ से, ठीक है। तो दोस्तों, पूरा मैं आज आपको एग्जाम रूटीन समझाने वाला हूँ और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड दोस्तों इसका कब आएगा और कैसे डाउनलोड करना होगा, ऑफलाइन मिलेगा कॉलेज में या तो फिर ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। तो ये सारा जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा आप सभी लोग के लिए, तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले लेकर के चलते मैं आपको रूटीन समझा देता हूँ और उसके बाद रूटीन समझाने के बाद मैं दो चार बातें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ, आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रूटीन पहले ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों। और ये जो रूटीन है आप सभी लोगों को रेड कलर में देखने को मिला होगा इसका ऑफिशियल पर, तो वही रूटीन ये भी है, बस ये ब्लैक एंड व्हाइट में, ठीक है। वो भी हम दिखलाएंगे आपको जो कलर वाला आता है ऑफिशियली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिएगा, लिखा हुआ है डीएलएड फेज टू फेज पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2022 से 24 द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड फेज का, और प्रशिक्षण सत्र 2023 से 25 के प्रथम वर्ष की जो है वह विषय की परीक्षा 2024 का परीक्षा कार्यक्रम जो है निम्नांकित है, मतलब डेट दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसका डेट दोस्तों कब से कब तक आपका एग्जाम चलेगा, तो इसको हम पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको हम ऊपर करते हैं, देखिए ये जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला रूटीन है ये 2022 से 24 सेकेंड वाला है, ठीक है, यानी सेकेंड सेमेस्टर वाला, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर नहीं सेकेंड ईयर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहला बात कर लेते हैं, ये आपका रहेगा 22 से 24 वाला, ठीक है, 22 से 24 सेकेंड ईयर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे इसका जो दोस्तों सब मिला करके जो टोटल जो इसका एग्जाम चलने वाला वो कब तक चलेगा, पहले मैं आपको पूरा डेट गिनवा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है इसका लास्ट रहता है 4 दिन, ठीक है, इसका 4 डेट यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। 12 जून से ये दोस्तों स्टार्ट होगा आपका एग्जाम, ठीक है, और ये दोस्तों आपका चलेगा 15 तक, ठीक है दोस्तों। तो पहला दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए इधर आपका विषय कोड भी दिया हुआ S1, S4, S6 और S8, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे विषय का नाम दिया हुआ, जैसे कि 12 जून को अगर हम बात करें दोस्तों, 12 जून को जो दोस्तों आपका एग्जाम होगा वो समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा, ये चीज इसका पेपर आपको होगा, ठीक है। परीक्षा का समय दोस्तों आपको क्या है, तो 9:30 बजे से लेकर के आपका दोस्तों 12:45 तक आपका चलेगा, ठीक है। फुल ऑफ टाइम दोस्तों आपका 9:30 बजे से लेकर के 9:45 तक है, ठीक है। और इधर दोस्तों S2 की अगर हम बात करते हैं, तो S2 दोस्तों आपका चला जाएगा किसमें, तो द्वितीय पाली में चला जाएगा, जो कि दोस्तों आपका होगा संज्ञान सीखना, और यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बोर्ड पे ना क्लियर मेरे को नहीं दिख रहा, लेकिन शायद आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका 2 बजे से लेकर के दोस्तों 5:15 तक रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका जो फर्स्ट सेटिंग का जो एग्जाम होगा वो दोस्तों होगा 9:30 से लेकर के 12:45 तक, यानी 12:45 तक। दोस्तों जो सेकेंड सेटिंग में एग्जाम होगा वो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा, ठीक है। अगर दोस्तों 13 जून की बात करें, 13 जून का दोस्तों आपका S4 का पेपर होगा, जिसमें दोस्तों स्वयं की समझ होना चाहिए इसका होगा, ठीक है, जिसका कोड S4 है, और इसका भी दोस्तों 9:30 बजे से लेकर के दोस्तों इसका चलेगा 11:45 तक, ठीक है दोस्तों, सबका अलग अलग है, ठीक है। अगर हम सेकेंड सेटिंग में बात करें दोस्तों, तो S5 का होगा यहाँ पर, जो कि विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा होगा, जो कि दोस्तों आपका 2 बजे से लेकर के दोस्तों 4:15 तक यहाँ पर दोस्तों होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर 14 जून की दोस्तों बात करें, तो S6 पेपर होगा, जिसमें दोस्तों आपको अंग्रेजी का जो है शिक्षण शास्त्र 1 होगा, ठीक है, इसमें दोस्तों आपका 9 बजे 9:30 बजे से लेकर के 11:45 तक दोस्तों आपका होगा, ठीक है। और यही दोस्तों हम सेकेंड सेटिंग की बात करते हैं, इसमें दोस्तों गणित का शिक्षण शास्त्र 2 होगा, तो जो कि प्राथमिक स्तर पर होगा, ठीक है, इसका दोस्तों है 2 बजे से लेकर के 4:15 तक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगला, जो कि 15 जून आपका लास्ट होगा, ठीक है, S8 पेपर, जो कि आपका दोस्तों हिंदी का शिक्षण शास्त्र जो कि प्रारंभिक प्राथमिक स्तर का होगा, ठीक है, 9:30 बजे से लेकर के 11:45 तक, यानी 12:15 बजे तक, ठीक है दोस्तों। अगर सेकेंड सेटिंग की बात करते हैं, तो S9 पेपर होगा, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर मार्ग, जो कि
किसी एक का जो शिक्षण शास्त्र होगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट दोस्तों आपका होगा सेकंड सेटिंग में 2 बजे से लेकर के 4:15 तक, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको बताया है जो कि हमारा था कितना 2022 से 24 वाला सेशन और सेकेंड ईयर का, ठीक है दोस्तों। ये सेकेंड ईयर का दोस्तों आपको एग्जाम क्लियर हो गया होगा, इसका कितना है तो 12 जून से दोस्तों लेकर के आपका चलेगा कितना तो 15 जून तक, यानी 12, 13, 14, 15 ये 4 दिन आपका एग्जाम चलेगा सेकेंड ईयर 2024 का। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 2023 से 2025 वाले का फर्स्ट ईयर का एग्जाम, ठीक है। तो ये दोस्तों आप सभी लोग देख रहे होंगे प्रथम वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2023 से 2025 फर्स्ट ईयर, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। यहाँ पर दोस्तों इसका एग्जाम होगा 18 तारीख से और 18 जून से चलेगा इसका लास्ट 25 तक। अब इसमें देखिए 18, 19, 20, 21 और यहाँ पर 22 दोस्तों छुट्टी और 23 भी छुट्टी है और 24 और फिर 25 को चलेगा, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो कि F1 से इसका स्टार्ट होता है, तो F1 का दोस्तों हम पेपर के स्टार्ट बात करें 18 जून को, ये समाज शिक्षा और पाठ्यचर्चे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्लीन दिख नहीं रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। इसका दोस्तों एग्जाम होगा आपका 9:30 बजे से लेकर के 12:45 तक, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें सेकेंड सीटिंग का F2 का, यहाँ पर दोस्तों शायद है बचपन और बाल विकास, ठीक है दोस्तों, इसका होगा 2 बजे से लेकर के 5:15 तक, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं 19 जून को आपका कौन सा पेपर होगा, तो F3 पेपर होगा, ठीक है दोस्तों, जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभिक बाल व्यवस्था, ठीक है, प्रारंभिक बाल व्यवस्था ये शायद है देखभाल एवं शिक्षा, ठीक है। ये चीज मैं बोर्ड पे उतार के ले आता ना, नोट पे तो ज्यादा अच्छा समझा पता, लेकिन चलिए अब कोई बात नहीं आ गया है यहाँ पर, तो ठीक है। तो इसका दोस्तों 9:30 से 9:30 बजे से लेकर के 12:45, वैसे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा क्लीन, ठीक है, अभी मुझे कंप्यूटर पे दिख रहा है जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेकिन देखने के लिए जाऊंगा तो फिर वीडियो कैसे बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों, बात हो गया। अगर सेकेंड सेटिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास है, ठीक है दोस्तों, इसका 2 बजे से लेकर के 5:15 तक होगा। और यहाँ पर दोस्तों 20 जून की बात करें तो 20 जून का दोस्तों F5 होगा, भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास, जो कि 9:30 से लेकर के 11:45। अगर F6 की दोस्तों बात करते तो शिक्षा में जो जेंडर एवं समावेशी परिक्षेप होना चाहिए दोस्तों, जो कि आपका 2 बजे से लेकर के 4:15 तक रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों हम बात करते हैं F7 का, तो देखिए ये दोस्तों आप सभी लोग देख लीजिएगा इतना, ठीक है, क्योंकि और भी चीज मुझे बताना है, क्योंकि एक ही चीज को बताने से क्या फायदा है, जैसे कि ये सब तो आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा दोस्तों ऊपर कर लेता हूँ और इसका मैं PDF टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप सभी लोग जा करके अपना एग्जाम दोस्तों अपना जो है चूज कर लीजिएगा अपना एग्जाम डेट, ठीक है। अब दोस्तों देखिए सारा दोस्तों मैंने एग्जाम डेट बता ही दिया, जैसे कि इधर आपका डेट मिल जाएगा, इधर आपका विषय, इधर आपका टाइमिंग मिल जाएगा, इधर आपका सेकेंड वाला टाइमिंग, तो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं सीधा नोट पर, और एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज देखिए क्या है, बहुत ही ज्यादा है, आप सभी लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए जो दोस्तों मैं अभी आपको बताया था एग्जाम रूटीन वही वाला ये चीज भी है, लेकिन इसमें थोड़ा संपूर्ण जानकारी दिया हुआ है एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको एग्जाम क्या बताया कि 12 जून से लेकर के 15 जून तक चलेगा द्वितीय, यानी कि 22 से 24 वाला सेकेंड ईयर का एग्जाम, और 18 से लेकर के 25 तक चलेगा 2023 से 2025 वाला फर्स्ट ईयर का एग्जाम, ठीक है, जो कि मैंने आपको पूरा शेड्यूल समझाया भी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एडमिट कार्ड के बारे में बहुत लोग पूछेंगे, क्योंकि बहुत लोग बताता भी नहीं है यूट्यूब पर, हम बहुत लोगों को कमेंट पढ़े तभी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसका दोस्तों एडमिट कार्ड है वो देखिए यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है ना वो देखिए 1 जून 2024 से दोस्तों यहाँ पर अपलोड रहेगा इसके वेबसाइट पर, यानी दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है बता करके बोर्ड वालों ने, यहाँ पर देखिए बताया गया है ना कि हमारा जो द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष का जो है एडमिट कार्ड, यानी देखिए प्रवेश पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट इतना पर जो है दिनांक 1 जून 2024 से अपलोड रहेगा, संबंधित संस्थान के प्रचार पूर्व से उपलब्ध यूजर आईडी और पासपोर्ट लॉगिन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर मुहर के साथ जो परीक्षार्थी को हस्तगत कराना सुनिश्चित करेंगे। ये बोल रहा है कि आप अपने कॉलेज से जो है आपके कॉलेज जो है वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करके देगा और उस पर सिग्नेचर और मुहर मार करके देगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये कॉलेज से ही मिलेगा एडमिट कार्ड। अगर आप ऐसे भी डाउनलोड करते हैं दोस्तों
फिर आपको कॉलेज से मुहर वगैरह साइन तो मरवाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, वरना हो सकता है कि आपको दोस्तों एग्जाम देने के लिए ना दिया जाए। हालांकि जब एडमिट कार्ड यानी कि 1 जून को आएगा दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा किसी के पास में दोस्तों अगर यूजर आईडी पासवर्ड है तो बताइएगा, पासपोर्ट में क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पासपोर्ट में दोस्तों आपका रहेगा DOB, ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, और यूजर आईडी यानी कि यूजर आईडी में क्या रहेगा, तो वहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो आपने फॉर्म भरा था उसमें एप्लीकेशन नंबर होता है वो दोस्तों आपको चाहिए, तो मुझे कोई भी व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। जैसे ही 1 जून आएगा दोस्तों, तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा कि एडमिट कार्ड आ चुका है, इसको आपको क्या क्या प्रोसेस करना है, ठीक है। व्हाट्सएप का जो नंबर है दोस्तों वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो दोस्तों नोट कर सकते हैं, 70 51 67 32 32, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जाकर के आप मैसेज कीजिएगा, तो शायद अगर आ जाता है इस पर दोस्तों तो मैं आपको डाउनलोड करके बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और बताया गया है कि जो लोग जिनका बैक लग गया था 2023 में किसी भी आंतरिक विषय में यानी कि इंटरनल एग्जाम में वो फेल हो गए थे या तो फिर अब्सेंट हो गए थे, एग्जाम नहीं दे पाए थे, तो वो लोग भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं, वो आप अपने कॉलेज से जा करके संपर्क कर लीजिएगा, शायद उसके लिए कुछ जो है लेटर वगैरह बना करके भी दे सकता है कॉलेज वाले, ठीक है दोस्तों। ये संपूर्ण जानकारी बताया हूँ, आशा करता हूँ कि ऐसा तो शायद अभी तक नहीं बताया होगा कोई, क्योंकि मैं बहुत पहले वीडियो देखा हूँ उसके बाद मैं ये लाया हूँ, एडमिट कार्ड के बारे में कोई नहीं बताया था, ठीक है। तो दोस्तों आपका DLED एग्जाम 2022 से 2024 सेकेंड ईयर और 23 से 25 फर्स्ट ईयर का एग्जाम रूटीन जारी हो गया, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है, और एडमिट कार्ड कब आएगा और कहाँ से डाउनलोड करना ये भी मैं आपको पूरा बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके से लगातार अपडेट हम डीएलएड को लेकर के देते रहते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पर, तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी जा करके जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।